यशोमती मैया के नंदलाला। ये क्या हो रहा है? अभी ऐसा लगा जैसे किसी ने टोकरी उठाने में मेरी मदद की हो। आज बहुत भ्रम हो रहा है। लगता है नारायण के पास जाने का तेरा समय आ गया है बुढ़िया। मुझसे क्या करवा दिया, ये मुझसे क्या करवा लिया, मुझे ये सब नहीं करना। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे नहीं रहना, मुझे जाने दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। कहाँ आ गया मैं, मुझे जाने दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने क्या कर दिया। प्राप्ति, ये क्या किया तुमने? उन्हें महाराज कंस से भेंट करने थी, मैंने करवा दी। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि तुम, पर ये सब अकेले कैसे किया तुमने? फिर कभी कभी संदेह मत करना मुझ पर। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पर इसकी दशा तो देखो, ये तो कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। ये ओहो, नन्ना सा काना मैया की सहायता कर रहे हैं? हाँ बाबा, क्योंकि मैं अच्छा बालक हूँ ना। मैं जल लेके आती हूँ, हाँ देख के आ जा नन्ना। ठहरो मैया, ठहरो मैया। किसी ने मुझे पुकारो है क्या? ठहरो मैया। मैया ये मुझे ले जाने दो ना, मुझे बाबा की सहायता करनी है। पर लल्ला, जशोदा जी ले जाने दो इसे, अब जब बड़ा हो गया है। ध्यान से ले जाइयो। मैं एक चक्कर और लगा लेती हूँ, इतना बोझा सर पर ढोने से वापस जाने से तो अच्छा है। नारायण चाहेंगे तो कोई ग्राहक मिल ही जाएगा। अरे वाह, बड़ा अच्छा बालक है तू तो। पर
अच्छा पालक बनने में तो बहुत ही आनंद आ रहा है। आइए आइए। नारायण नारायण इंद्राजी। नारायण नारायण बिराजी आप। कहिए क्या बात है? हम निर्धन आदिवासी हैं नंदराज, और यही गोकुल के आसपास गायों के लिए चारा उगाते हैं और उसे मथुरा के राजमहल के कर्मचारियों को बेचते हैं। पर बीते कछु दिन से वो हमसे चारा भी ले लेते हैं और बदले में हमें कुछ भी नहीं देते, हमें डांट फटकार के भगा देते हैं। अब हम जे चारा वहां नहीं ले जाना चाहते नंदराज। कितना चारा लाए हो? सकट भर के है नंदराज, आप ले लोगे तो हमें इतनी दूर मथुरा ना जाना पड़ेगा। इतने चारे के बदले एक बोरी चावल पर्याप्त होंगे आप सबको? ये तो बहुत अधिक है नंदराज, हमारे लिए तो चावल की आधी बोरी ही पर्याप्त है। बंसी, एक बोरी चावल लाकर इन्हें दे दो और जे चारा गौशाला में रखवा दो। जी नंदराज। हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नंदराज जी, आप धन्य हैं। नंदराज की जय। 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 आपने भी सहायता की, इसका अर्थ है कि आप भी अच्छे बालक हो बाबा। अरे मेरे कान्हा आजा। कान्हा मैं गोकुल को राजा हूं ना, इसीलिए अपनी प्रजा की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। इसी तरह तू भी गोकुल को राजकुमार है, इस नाते एक बात तू गांठ बांध ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से निराश ना लौटे, तभी तू अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगा। समझ गए हो? मैं समझ गया बाबा। चल अब मैं उपनंद भैया को बताकर आता हूँ कि इन लोगों को चारा बेचने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता ना है। तू घर संभाल। जो मैं सोच रही हूँ क्या आप भी वही सोच रही हैं प्रभु? यशोदा भाभी तने किधर तो देखो। कितना चारा लाए हो? इतने चारे के बदले एक बोरी चावल प्राप्त है। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल। सुगंधी इतनी बढ़िया है तो फल कितने मीठे होंगे। लल्ला, फल चाहिए? कहाँ चली जशोदा जी? देखने तो दो कान्हा क्या करतो है, तनिक ठहरो तो सही। अरे पर क्यों, आपको अपने अच्छे बालक पर विश्वास ना है? विश्वास क्यों ना है, अवश्य है। इतने वर्षों तक घर में बंद अवश्य रखो है मैंने, पर सिखाओ भी है, सब संभाल सकता है मेरा कान। संभाल लियो लल्ला, अपनी मैया की लाज रखियो। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं फिर से ये सब नहीं करने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को।
देखो मुझे एक क्षमा कर दो, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं किसी से नहीं मिलने वाला। ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? शांत हो जाओ, अन्यथा हमारी योजना असफल हो जाएगी। पता लग जाने दो, सबको पता लग जाने दो, मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे क्षमा कर दो। क्या पता चल जाने दो महाराज कंस। कौन है वहां? आपने बाणासुर को नहीं पहचाना महाराज? और आप दोनों ने अपने स्वामी के परम मित्र और सबसे विश्वसनीय साथी को नहीं पहचाना? नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद, रात भर प्रयास करता रहा पर तुम्हारी मूर्छा टूट ही नहीं रही थी। कहीं कंस के हाथ में वो तलवार देखकर तो नहीं? उस राक्षसी तलवार पर रक्त देखकर मेरा हृदय कांप अवश्य गया था, पर मेरी मूर्छा का कारण वो तलवार नहीं थी स्वामी। तो फिर अवश्य ही कुछ तो समस्या है यहाँ। मित्र बाणासुर, बड़े दिनों बाद भेंट हो रही है, और कंस के रहते कभी कोई समस्या हो सकती है क्या? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अरे बातों में क्या रखा है, आओ चले लगो। महाराज कंस के भुजाओं की पकड़ अजगर की जकड़ से भी अधिक कठोर होती है। तुम कंस नहीं हो। मित्र बाणासुर, ये तुम क्या कर रहे हो? भय से कप कपाना ये सिद्ध करता है कि तू कंस कहलाने के योग्य भी नहीं है। सत्य बता, कौन है तू? मेरी मूर्छा का कारण था वो व्यक्तित्व, रक्त से सनी तलवार जिसके हाथों में थी। वो व्यक्ति कंस नहीं था स्वामी। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये महाराज कंस नहीं है। यदि वो कंस नहीं था तो फिर था कौन? ये है राष्ट्रपाल, कंस का भाई, मेरे सीधे साधे भैया राष्ट्रपाल। इसका तो एक ही अर्थ है स्वामी, कंस ने उन्हें भी अपने जैसा बना दिया है। मित्र नहीं, भ्राता बाणासुर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो। इन दोनों ने मुझसे बलपूर्वक सब कुछ कराया है। क्या करवाया और कहां है मेरा मित्र कंस? वहां
मुझे सच्ची में फल चाहिए ना। कहीं औरों की तरह तेरी मैया भी क्या है ये पूछकर वापस तो नहीं भेज देगी ना। व्यर्थ ही मत कष्ट दो इस बुढ़िया को। ना ना, फल लिए बिना थोड़ी जाने दूंगो। सुबह से बहुत सारा काम करो है मैंने, अब तो तीव्र भूख भी लग गई है। स्वयं तो इतना सा है, पर इतनी बड़ी टोकरी संभाले चलो है। किसी की सहायता करने के लिए तन और मन के बल से अधिक निश्चय में बल होना चाहिए। ये तो नन भवन है ना। और तुम नन जी के लल्ला हो ना। हाँ, मेरा नाम कृष्णा है, पर आप मुझे लल्ला और कान्हा बुला सकती हैं। सब अपने मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तो मैं भी तुम्हारी अपनी हूँ। इन संसार में सभी मेरे अपने हैं और मैं सबका। कभी कभी जो कैसी बातें कर देता है। जितना सुना था तेरे बारे में तू उससे भी अधिक अच्छा है लल्ला। सच्ची? तब इस प्यारे से लल्ला को फल तो दो। कब से खड़ा हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ बताओ, कौन सा फल खानू है? केला, आम या अमरूद? आम दिखने में मीठे लग रहे हैं, अमरूद बहुत रसीले, और केले मेरे जैसे पीले वस्त्र पहन के बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर कौन सा लूं? मुझे तो सारे के सारे चाहिए। लगता है मुझे जानो चाहिए मोल भाव कराने। देख तो लो, आपका कहना कर क्या रो है, पता चल जाएगा जो कितना सयाना है। सयाना तो बहुत है कान्हा, स्वयं देख लेना। हाँ पक्का, मुझे तो सारे फल ही अच्छे लग रहे हैं। तो सारे ही ले लो, पर ये तो बताओ कि इसका मूल्य क्या दोगे। मूल्य ये क्या होता है? जब कोई वस्तु लेनी होती है ना, तो उसके बदले में कुछ देना होता है लल्ला, उसको मूल्य कहते हैं। पर जब मुझे मैया फल देती है तो मुझसे कोई मूल्य नहीं लेती है, और गोपियां भी तो कोई लड्डू और मिठाइयां देती रहती है, पर उन्होंने कभी भी मूल्य नहीं मांगा। मैं भी कैसी हूँ, एक नन्हे से बच्चे से मूल्य मांग रही हूँ। जी तो कर रहा है सब कुछ नौछावर कर दूँ इस पर। ये फलों की टोकरी क्या है? एक बात तू गांठ बांध ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से
निराश ना लौटे, तभी तू अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगो। आप निराश ना हो, मैं आपके लिए अभी मूल्य लेकर आता हूँ। मैया, और एक फल वाली मैया आई है, मुझे उनसे फल लेना है, मैं उन्हें क्या मूल्य दूं? इस संसार में कोई भी वस्तु लेनी हो तो उचित मूल्य चुकाना तो पड़ता है, जे बात तो इसे सिखाना ही होगा। लल्ला, कुछ पानो है तो कुछ देना भी पड़ेगा। मूल्य ऐसा होना चाहिए कि विक्रेता को कम ना लगे और स्वयं देने वाले को अधिक ना लगे। मैया, आप ही बता दो ना। मेरा लल्ला इतना बड़ा हो गया है, मैं क्या बताऊं? जे निर्णय स्वयं ले ले।